स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू लीगल एज बाय टॉप रैंकर्स। और आज हम हमारी स्कॉलरशिप सीरीज जिसका नाम है टॉप 10 एनएलयूज ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप गाइडलाइंस के एपिसोड नंबर 3 पर हैं, दैट इज WBNUGS कोलकाता स्कॉलरशिप गाइडलाइंस। बच्चों, आप सबका सपना है कि इंडिया के टॉप एनएलयूज में हमें एक सीट चाहिए, और इस एक सीट में जब एडमिशन हो जाता है तो अनदर इंपॉर्टेंट कंसर्न इज फीस फॉर सम किड्स, एंड फॉर सम किड्स इट इज एकेडमिक्स। तो जिन बच्चों के लिए फीस एक कंसर्न है, उनके लिए हम ये सीरीज लेके आए हैं। आई एम हियर टू गिव यू एंटायर इन डेप्थ डिटेल ऑफ WBNUGS कोलकाता स्कॉलरशिप गाइडलाइंस। बच्चों, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि WBNUGS कोलकाता इज अ रिनाउंड इंस्टीट्यूट विच प्रोवाइड्स स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ 3 क्राइटेरियाज। पहला, आपका फैमिली इनकम देखी जाती है, दूसरा आप कितने मेरिटोरियस हो, और तीसरा व्हाट आर योर फाइनेंशियल नीड्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर एपिसोड नंबर 3। हाय एवरीबॉडी, दिस इज प्रियंका दुदानी, सीनियर मेंटर फ्रॉम लीगल एज बाय टॉप रैंकर्स। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहली बात कि इंडिया का टॉप 3 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं। दीज आर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ WBNUGS कोलकाता। आई लाइक दिस पिक्चर, सो आई इंसर्टेड इन। तो यूनिवर्सिटी एड की बात कर रहे हैं, पहली जो स्कॉलरशिप मैं पिकअप कर रही हूँ, दैट इज यूनिवर्सिटी कौन सी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। सो यूनिवर्सिटी जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है उसका नाम है बच्चों मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप। मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप शब्द से ही आप समझ गए होंगे, दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर एकेडमिकली एक्सीलेंट एंड हु आर फाइनेंशियली नीडी। ओके, यहाँ पे फाइनेंशियली नीडी के बारे में जब मैं बोल रही हूँ, मतलब उनकी पेरेंटल इनकम कम है, उन बच्चों को लिया जाएगा। सो लेट अस सी, सबसे पहली बात कि यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस जो आपको प्रोवाइड हो रहा है, यहाँ पे आपकी परसेंटेज ऑफ फीस जो है वो वेव हो जाएगी, और ये केवल लो इनकम फैमिलीज के कैंडिडेट्स पर एप्लीकेबल है। अब मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप चालू क्यों हुई? यूनिवर्सिटी को ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे हकदार हैं इंडिया के टॉप एनएलयूज में पढ़ने के लिए, बट उनकी फैमिली इनकम कम होने की वजह से वो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए ये स्कॉलरशिप चालू हुई। ओके, नाउ अब यहाँ पर सब्सटैंशियल फाइनेंशियल मींस की लैकिंग की वजह से, और उन बच्चों के लिए जो लॉ में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए चालू हुई, और यहाँ पे एक प्रॉपर पॉलिसी है इनकी स्कॉलरशिप गाइडलाइंस पॉलिसी, जैसे बैंगलोर में थी जो 2015 की थी, फिर वो 2021 में रिवाइज हो गई, जैसे नालसार में थी वैसे यहाँ पर भी है, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 2019। ओके, नाउ दिस स्कॉलरशिप is only applicable for students who are applying for undergraduate program, not the PG candidates. Okay? So, यहाँ पे आप अगर UG की preparation कर रहे हो, that is BA LLB, BB LLB ऐसे courses, BSc LLB, BCom LLB, और अगर वो courses WBNUGS कोलकाता offer करता है, तो आप eligible हो. Okay? Now, students, nextly, यहाँ पे eligibility criteria क्या है? ये सारे बच्चों के लिए valid है. पर इम्पॉर्टेंट टू नोट, अगर आप NRI कैंडिडेट हो या NRI स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के कैंडिडेट हो या फिर फॉरेन इंडियन नेशनल हो, फॉरेन नेशनल हो, तो फिर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ UG प्रोग्राम एक्सेप्ट NRI स्पॉन्सर्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स एज वेल एज फॉरेन नेशनल्स। ओके, नाउ अब मैंने बोला लो इनकम फैमिली कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं, तो कितनी लिमिट है इनकम की? लेस देन और इक्वल टू 6 लाख रुपीस शुड बी योर पेरेंटल इनकम, देन ओनली यू आर वैलिड अंडर दिस कैटेगरी। ओके, अब आपको यदि कोई और स्कॉलरशिप ऑलरेडी मिल रही है, जैसे सेंट्रल स्कॉलरशिप, जैसे स्टेट स्कॉलरशिप, जैसे माइनॉरिटी अफेयर्स, हायर एजुकेशन, PWD कैंडिडेट्स के लिए जो स्कॉलरशिप होती है, इन क्राइटेरियाज में अगर आपको ऑलरेडी कहीं से स्कॉलरशिप मिल रही है, तो जो बचा हुआ अमाउंट है स्कॉलरशिप का वो WBNUGS देगा, नहीं तो फिर वो नहीं देंगे। ठीक है, मतलब यू विल बी ओनली प्रोवाइडेड इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी एक्सटर्नल स्कॉलरशिप। और सपोज वही जो मैंने आपको नालसार में बताया था, 1,30,000 ट्यूशन फी है, लेट्स से ठीक है, 70,000 आपको एक्सटर्नली मिल जा रहा है, तो बचा हुआ 60,000 यहाँ से आपको मिल जाएगा यूनिवर्सिटी से। सो वही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है। ओके, आप अप्लाई जरूर कर सकते हो, पर आपको केवल लेफ्ट आउट अमाउंट ही मिलेगा, आप दो जगह से सेम अमाउंट नहीं ले सकते। ओके, उनका अलग क्राइटेरिया होता है। ओके, नाउ नेक्स्टली प्रोसेस टू अप्लाई।
अब सब बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैम आपने स्कॉलरशिप के बारे में तो बता दिया, ये भी तो बता दो अप्लाई कैसे करना है। आप क्लैट क्लियर करोगे, आपका एडमिशन होगा टू दिस एनएलयू, उसके बाद क्या है कि उसके बाद आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ एकेडमिक्स, क्या बोला बच्चों मैंने, असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ एकेडमिक्स ऑफ WBNUJS कोलकाता यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालेंगे। ओके, उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपको ध्यान से पढ़ना है। उस नोटिफिकेशन में स्कॉलरशिप का फॉर्म भी होगा, उसके साथ साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी होगा। ओके, सो दिस नोटिफिकेशन विल इंक्लूड स्कॉलरशिप फॉर्म एज वेल एज प्रो फॉर्मा फॉर द रिस्पेक्टिव डिक्लेरेशन बाय स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स एंड गार्जियंस। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको डिक्लेरेशन फॉर्म में बतानी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, ईच स्कॉलरशिप विल बी प्रोवाइडेड फॉर वन एकेडमिक ईयर ओनली। सपोज मैंने अप्लाई किया, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, तो मैं 2024 की कैंडिडेट हूँ, क्लैट पास किया मैंने, और मेरा जो एडमिशन हुआ वो फिर एडमिशन हो रहा है मेरा अराउंड जुलाई के आसपास, ठीक है। अब मैं फर्स्ट एकेडमिक ईयर के लिए मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, सेकेंड एकेडमिक ईयर में मुझे दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, यानी एक साल की स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है ये, और एक साल के बाद अगर आपको दोबारा स्कॉलरशिप चाहिए आप दोबारा अप्लाई करो, मिल जाएगी। बट ये वन एकेडमिक ईयर के बाद फिर सेकेंड फिर थर्ड ऐसे होता है। ओके, सो यहाँ पर ये चीज बताई गई है। नेक्स्ट, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं बच्चों, तो डॉक्यूमेंट्स में आपका क्लास 12th का सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट दोनों लगेगा, एज वेल एज आपका क्लैट का स्कोर कार्ड भी लगेगा। ओके, सो ये तीनों चीजें आपको देनी है। इसके अलावा आपके पेरेंट्स का डिक्लेरेशन, उनकी पेरेंटल इनकम, एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स वगैरह डिटेल्स के लिए, और ये सारी डिक्लेरेशंस आपकी लगेंगी। ओके, अब जैसे ही नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आई है उसके 2 हफ्ते के अंदर आपको सबमिट करना है दिस फॉर्म एंड ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है देख लो, www.sjanujs.org, ठीक है। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है, ठीक है, तो आपको इन डेप्थ गाइडलाइंस वहां से मिल जाएंगी। ओके, तो मैंने आपको क्या क्या बताया बच्चों, सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन का वेट करना, नोटिफिकेशन जब आएगी उसके 2 हफ्ते के अंदर आपको फॉर्म भर के देना है। फॉर्म के साथ साथ आपके 3 डॉक्यूमेंट हैं, आपका 12th की मार्कशीट, क्लैट स्कोर कार्ड और आपका डिक्लेरेशन फॉर्म। ओके, अब इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा, वो 6 लाख वाला, ठीक है। उसके अलावा आपका जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसमें एक्सटर्नल स्कॉलरशिप अगर आपको मिल रही है उसकी डिटेल भी आपको मेंशन करनी है। ओके, और ये सारी फॉर्म आपको बिफोर डेडलाइन दैट इज 2 वीक्स के अंदर अंदर आपको यूनिवर्सिटी को सबमिट करना है, और उसके बाद अगर आप एलिजिबल हो गए यू विल बी ग्रांटेड द फाइनेंशियल एड। एक इंपॉर्टेंट बात कि ये केवल एक वन एकेडमिक प्रोग्राम के लिए है, वन एकेडमिक ईयर के लिए है, नेक्स्ट ईयर के लिए दोबारा, उसके अगले साल के लिए दोबारा अप्लाई करना है। ओके, इस तरह से ये प्रोसेस है WBNUJS कोलकाता में। ओके, नाउ बच्चों नेक्स्टली लेट अस सी द प्राइवेट स्कॉलरशिप्स। स्टूडेंट्स, जो प्राइवेट स्कॉलरशिप्स होती हैं, अब इसका मतलब क्या है प्राइवेट स्कॉलरशिप्स, मतलब ना यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे रही है ना ही सरकारी स्कॉलरशिप दे रही है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहली जो प्राइवेट स्कॉलरशिप है इट इज वन ऑफ माय फेवरेट एंड वन ऑफ माय स्टूडेंट इज अप्लाइड इन दिस स्कॉलरशिप आल्सो, हु इज माय नोन कैंडिडेट। एंड सो स्टूडेंट, सबसे पहली जो स्कॉलरशिप है, फर्स्ट वन, माय फेवरेट वन, लेट सी दैट। सो दैट इज MMXC इक्वल अपॉर्चुनिटी स्कॉलरशिप, MMXC Equal Opportunity Scholarship. This is a very interesting scholarship and was started by alumni of WBNUJS Kolkata. So students, इस scholarship के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये जो scholarship है ये equal opportunity scholarship है, यानी अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको equal opportunity है कि वो यहाँ पे पढ़ सकता है, irrespective कि उसके फाइनेंशियल इनकम क्या है, इररिस्पेक्टिव कि उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या वो अफोर्ड कर सकता है क्या नहीं। आप इक्वली अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप ये स्कॉलरशिप ले सकते हो। मैं आपको इजी भाषा में बताऊं तो कुछ लोग थे, एल्यूमिनाइज थे WBNUJS कोलकाता के, जिनका एकेडमिक जो यूजी कोर्स है वो बहुत एक्सीलेंट रहा, एंड उनको ऐसा लगता था
कि सारे बच्चे ऑल ओवर इंडिया, जिसमें से कुछ बच्चों की अगर वो एजुकेशन अफोर्ड कर सकें, दैट वुड बी अ चेरी ऑन द केक फॉर देम. तो उन्होंने स्कॉलरशिप स्टार्ट की. बेसिकली एल्यूमिनाई फंडेड स्कॉलरशिप है. ओके, सो बच्चों, हैव बीन स्टार्टेड बाय एल्यूमिनाई ऑफ NUJS, यानी कि ये उन्हीं के स्टूडेंट्स ने स्टार्ट की है. ठीक है, और उन्होंने बोला कि हम ये मानते हैं कि 5 साल जो बच्चा लॉ की डिग्री में स्पेंड करता है वो उसकी जिंदगी के सबसे अमेजिंग ईयर्स होते हैं. तो हर बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो लॉ की डिग्री परस्यू करे फ्रॉम द NLU, दैट इज WBNUJS कोलकाता, एंड दे आर फंडिंग द स्कॉलरशिप्स. अब स्कॉलरशिप किन बेसिस पे दी जाएगी? सबसे पहला तो मेरिट, मेरिट बेसिस, यानी जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है वो अकेडमिकली कितना एक्सीलेंट है, व्हाट इज हिज क्रैट स्कोर, व्हाट इज हिज 12th ग्रेड्स, सब देखा जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट, नीड, इनकम, स्कॉलरशिप, लोन डेट, फैमिली कॉन्ट्रीब्यूशन, सब देख के उसकी कितनी जरूरत है, कितने पैसे उसे चाहिए टू फंड हिज फीस. ओके, तो इन लोग उस हिसाब से स्कॉलरशिप डिटरमाइन करते हैं. नाउ नेक्स्ट, डाइवर्सिटी, कि उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, फर्स्ट जनरेशन कॉलेज ग्रेजुएट, फिर उसके बाद अंडर प्रेजेंटेड माइनॉरिटीज में से है क्या, तो ये सब चीजें देखी जाती हैं. पहला कि आपका एकेडमिक एक्सीलेंस क्या है, दूसरा कितनी जरूरत है, और आप कहाँ से बिलोंग करते हो, डाइवर्सिटी, कौन सा आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है. ओके, नाउ अगर आप इन तीनों में से एक आध दो कंडीशन भी मीट करती हो ना, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, जरूरी नहीं कि तीनों कंडीशंस आपको तीनों की तीनों मीट करनी है. ओके, नाउ नेक्स्टली, कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है. अब ये चीज सुन के कुछ बच्चे निराश हो सकते हैं. बच्चों, ये लोग स्कॉलरशिप का अमाउंट कम देते हैं, बट देते जरूर हैं. ऑब्वियसली दे आर स्टूडेंट्स, दे आर द एल्यूमिनाइज ऑफ WBNUJS कोलकाता, एंड स्टूडेंट्स नहीं कहूंगी, नाउ दे आर वेल क्वालिफाइड इनफ, बट दे आर ट्राइंग टू फंड द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, सो दे आर जूनियर्स, बेसिकली द सीनियर्स आर फंडिंग द एजुकेशन ऑफ जूनियर्स. सो दैट्स वाई देयर विल बी ओनली 3 स्कॉलरशिप्स. डोंट बी सैड, यू कैन स्टिल हैव अ सीट इन दिस 3. ओके, सो देयर विल बी ओनली 3 स्कॉलरशिप. सो सबसे पहला INR 1 लाख रुपीज ईच, यानी इनका स्कॉलरशिप कॉर्पस केवल 3 लाख रुपीज का है. ओके, नाउ बच्चों, नेक्स्टली एलिजिबिलिटी. सो एलिजिबिलिटी में दिस स्कॉलरशिप अप्लाई ओनली फॉर द 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड BA LLB कोर्स. एनी स्टूडेंट फ्रॉम ईयर्स 1 to 5 ऑफ द NUJS BA LLB प्रोग्राम इज एलिजिबल. ठीक है, तो आपको लॉ के अंडर ग्रेजुएट कोर्स दैट इज BA LLB में एडमिशन लेना है, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो. ओके, और आप सेकेंड ईयर में भी अप्लाई कर सकते हो, थर्ड ईयर में भी, बट स्कॉलरशिप कॉर्पस कम है, और इसके साथ साथ ये एल्यूमिनाई द्वारा फंडेड है, इसलिए छोटी स्कॉलरशिप है. बट यस, कुछ बच्चों के लिए ये बड़ी होगी. ठीक है, मैं बोल रही हूँ छोटी, बट कुछ बच्चों के लिए इट वुड बी ऑफ एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंस. ओके, नाउ नेक्स्टली, एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स. एप्लीकेशन में आपको क्या क्या देना है? एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ओनली बाई ईमेल टू अनुषा @ mmxc.fund@gmail.com. एप्लीकेशन में आपका कवर लेटर होगा, ठीक है, जिसमें आपको पूरा डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि व्हाट इज योर नीड और आप किस बैकग्राउंड से हो, हर एक चीज आपको बतानी है. ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स हु हैव अवेल्ड स्कॉलरशिप फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम एनी अदर सोर्स, वो मेंशन करना है आपको कि आपको कहीं और से स्कॉलरशिप मिल रही है क्या, तो वो सारी डिटेल्स आपको देनी है. नेक्स्टली, आपको एक ब्रीफ आर्टिकल लिखना है, 500 शब्द के अंदर अंदर आना चाहिए, और ये लॉ की फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए. ठीक है, करिकुलम वाइटे, यानी कि आपका जो एक पर्सनल एजुकेशन बैकग्राउंड है वो पूरा डिटेल में लिखना है डॉक्यूमेंट्स में. उसके अलावा लेटर फ्रॉम NUJS सर्टिफाइंग दैट कि आप BA LLB कोर्स में एनरोल्ड हो एट द NLU कोलकाता. उसके बाद फोटोकॉपी ऑफ द मार्कशीट, CGPA कोर्स, ये सब आपके लगेंगे. अगर आप फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर रहे हो तो 12th की मार्कशीट आपकी लगेगी, सेकेंड ईयर में अप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट दोनों लगेगी, और फर्स्ट ईयर में आपके क्लैट का स्कोर कार्ड भी लगेगा. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनने बोले हैं देने पड़ेंगे. फोटोकॉपी ऑफ क्लास 12th, बोर्ड एग्जामिनेशन मार्कशीट, क्लैट रैंक आपकी कौन सी आई है, वो सब आपको बताना पड़ेगा. कोई और डॉक्यूमेंट जो आपको सिलेक्ट करवा सके इस स्कॉलरशिप के लिए इन एडिशन टू द अबाउ डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, अब
स्टूडेंट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सबमिटेड. आप जैसा इंफॉर्मेशन सबमिट करोगे आपकी वैसे स्कॉलरशिप, उस पैटर्न में आप स्कॉलरशिप अवेल कर पाओगे. कई बच्चे ऐसे हैं जो मेरिटोरियस भी नहीं थे तो भी उनको ये स्कॉलरशिप मिली है. इसलिए प्लीज इस स्कॉलरशिप में अप्लाई जरूर करना आफ्टर योर एडमिशन. ओके, नाउ शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स विल नीड टू पार्टिसिपेट इन अ शॉर्ट इंटरव्यू. आपका एक शॉर्ट इंटरव्यू होगा जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. ओके, फिर ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी. आई होप बच्चों आपको समझ में आया कि ये एक छोटी स्कॉलरशिप है जिसमें केवल 3 लाख रुपए की फंडिंग है स्कॉलरशिप कॉर्पस है, बट ये सीनियर्स दे रहे हैं अपने जूनियर्स को. उनको ऐसा लगता है कि 5 साल बहुत ही अमेजिंग होते हैं और हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. दैट्स वाई इट्स नेम इज इक्वल अपॉर्चुनिटी स्कीम. ओके, नाउ नेक्स्टली पीरियड ऑफ सबमिशन. तो ये 2022-23 की नोटिफिकेशन मेरे को मिली थी कि इसमें पीरियड ऑफ सबमिशन, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन और इस सब की डेट्स दी हुई हैं. तो आपके ईयर, जो भी आपका ईयर होगा, जब भी आप अप्लाई कर रहे हो, वेदर दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, आपके उस हिसाब से नोटिफिकेशन में डेट्स मेंशन होगी. ओके, नाउ हर स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी के थ्रू रूट होगी. प्लीज हैव अ लुक ऑन द ईमेल आईडी वेयर यू हैव टू सबमिट एवरीथिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है ऑफ द स्कॉलरशिप, sjanujs.org. सो इस स्कॉलरशिप से प्लीज फेमिलियर रहना इस वेबसाइट से और कंटिन्यूस बेसिस पे चेक करते रहना कि कब नोटिफिकेशन आई, कब क्या डिटेल्स रही. ओके, नाउ नेक्स्ट, इसके बाद हमारी वन एंड फेवरेट ऑफ आदित्य बिरला स्कॉलरशिप, जो हमने NLSIU बैंगलोर में भी पढ़ी थी, नालसार में भी पढ़ी थी, एंड इट इज एन अमेजिंग स्कॉलरशिप. अब पुराने वीडियो में किसी बच्चे ने कमेंट भी किया था दैट हिज ब्रदर गॉट AB स्कॉलरशिप, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो. आई एम टेलिंग यू अगेन इन द थर्ड वीडियो, अगेन द सेम लाइन, इफ यू बिकम ए बी स्कॉलर योर रिज्यूम विल हैव 5 stars ऑन इट. इट्स नॉट अ ईजी थिंग टू बिकम ए बी स्कॉलर. यू हैव टू राइट अ एसे, यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड बाई पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, यू विल, योर इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, एंड ये सारी चीजें होंगी. सो लेट्स स्टडी वंस अगेन वॉट इज ए बी स्कॉलरशिप. सो ए बी स्कॉलरशिप बेसिकली आदित्य बिरला ग्रुप प्रोवाइड करता है. दीज आर द आदित्य बिरला स्कॉलर्स एंड दिस इज द पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हू टेक द इंटरव्यू. ओके स्टूडेंट्स, सो ये 1999 में चालू हुई थी एस्पिरेशनल स्कॉलरशिप पे. 22 प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया में आदित्य बिरला ग्रुप ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है. ओके, नाउ 5 NLUs कवर्ड है उन 22 में से. नालसार, NLU बैंगलोर, WBNUJS कोलकाता, GNLU और NLU जोधपुर. ये 5 NLUs हैं जहाँ पे AB स्कॉलरशिप मिलती है. ओके, नाउ नेक्स्टली आप इस स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसके पहले देखते हैं कि कितना अमाउंट मिलेगा आपको. 1,80,000 rupees फॉर लॉ कैंडिडेट्स, इट इज 1,80,000 rupees. ओके, नाउ नेक्स्टली स्टूडेंट्स, 5 NLUs में से, ऑल 5 NLUs में से 20-20 बच्चे सिलेक्ट होते हैं. मतलब टोटल 5 NLU में से 100 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, 1 NLU में से 20 बच्चे. यानी कि WBNUJS कोलकाता में 20 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो अपनी स्कोर, क्लैट के स्कोर के बेसिस पे सिलेक्ट होंगे और उनमें कुछ काबिलियत होगी जो यूनिवर्सिटी को लगता है. फिर जब नोटिफिकेशन आएगी तो वो बच्चे क्या करेंगे कि यूनिवर्सिटी के डीन को वो सारी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, 20 स्टूडेंट्स, ठीक है. उन एप्लीकेशन में से कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, फिर वो कैंडिडेट से एक एस्से लिखवाया जाएगा. वो एस्से जिन बच्चों का अच्छा होगा, अगेन दे विल बी शॉर्टलिस्टेड, और उन बच्चों का इंटरव्यू होगा एट मुंबई बाय पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स विच इंक्लूड्स द यूनिवर्सिटी पीपल एज वेल एज द आदित्य बिरला ग्रुप. ये पूरी चीजें मैंने आपको NLSIU बैंगलोर में डिटेल में समझाई हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हो. ओके, नाउ टॉप 20 स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लैट स्कोर. आपका जो क्लैट में स्कोर होगा उसके बेसिस पे 20 बच्चे सिलेक्ट होंगे. फिर वो बच्चे जो हैं, जो एलिजिबल हैं, उनका एप्लीकेशन सबमिट होगा डीन के पास, वो लोग सबमिट करेंगे. ओके, नाउ डीन क्या करेगा, इन 20 फॉर्म्स को आदित्य बिरला ग्रुप को भेज देगा. अब आदित्य बिरला ग्रुप विल गिव द टॉपिक्स ऑफ एसे. अब 180 स्टूडेंट्स फ्रॉम मैनेजमेंट, 160 स्टूडेंट्स फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड 100 फ्रॉम लॉ, इंक्लूडिंग 20 फ्रॉम WBNUJS कोलकाता. 20-20 बच्चे हर NLU से आते हैं, तो कोलकाता NLU से भी 20 स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट होंगे. ओके, नाउ उनका दूसरा राउंड होता है एसेज. एसेज रिव्यू होते हैं बाय पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स
वहां पे कैंडिडेट्स जो है वो शॉर्टलिस्ट होते हैं। उसके बाद शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है फॉर एन इंटरव्यू विच इज हेल्ड एट मुंबई, और वहाँ पे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स जो है इंटरव्यू लेते हैं और फिर बच्चा सिलेक्ट हो जाता है। अब मैंने आपको पहले भी ये स्लाइड दिखा चुकी हूँ, द वेरी फेवरेट स्लाइड ऑफ माइंड, द रॉक स्टार स्लाइड। 2023 में दीज वर द स्टूडेंट्स हु बिकेम द आदित्य बिरला स्कॉलर्स, GNLU से अभिराम आनी, ऋषभ एंड संयुक्ता। लेट्स सी NLU कोलकाता से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, 4 बच्चे, अमितेश नियोगी, मनोज गुप्ता, सिद्धांत, विश्वदीप बिशोनी बिश्नोई एंड वैभव झा। ओके, सो दीज वर द 4 स्टूडेंट्स हु गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम कोलकाता NLU। यू कैन ऑल्सो बी वन ऑफ देम, अप्लाई एज सून एज द नोटिफिकेशन कम्स आफ्टर योर एडमिशन। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्टली द थर्ड प्राइवेट स्कॉलरशिप की हम बात करते हैं, रीमा मेमोरियल स्कॉलरशिप। ओके, सो रीमा रे मेमोरियल स्कॉलरशिप इज वन स्कॉलरशिप विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। भले ही इसका स्कॉलरशिप कॉर्पस छोटा है और ये केवल वन अकेडमिक केवल बहुत ही छोटा अमाउंट देते हैं, बट उसके पीछे का आप कॉन्सेप्ट देखो, उनकी भावना देखो कि रीमा रे मेमोरियल स्कॉलरशिप जो है ये 2006 की ग्रेजुएट हैं WBNUJS कोलकाता की, जिनका नाम है रीमा रे। शी वॉज द एसोसिएट एट टच स्टोन पार्टनर्स, ठीक है, अर्लियर प्लैटिनम पार्टनर्स फ्रॉम 2008 अंटिल हर अनटाइमली डिमाइज इन 2013। तो मतलब वो टच स्टोन पार्टनर्स की एसोसिएट थी रीमा रॉय जी, और उनके नाम पर ये स्कॉलरशिप चालू हुई है। इसका नाम है रीमा रे मेमोरियल स्कॉलरशिप। उनके जो फर्म थी उसमें उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि उनके सारे कलीग्स उन्हें बहुत मिस करते थे, इसलिए उन्होंने ये स्कॉलरशिप चालू करी। ड्यूरिंग हर स्टिंट एट टच स्टोन पार्टनर्स रीमा मेड एन एनॉर्मस कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फर्म्स प्रैक्टिस एंड डीपली टच बाय द हार्ट्स एंड माइंड ऑफ अ कलीग्स। She was the embodiment of the values that the firm holds most dear, an ability and desire for high performance coupled with a sense of empathy. अब इस स्कॉलरशिप का ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस स्कॉलरशिप इज टू सपोर्ट एंड एनकरेज द डिजर्विंग स्टूडेंट्स ऑफ NUJS फॉर द LLB प्रोग्राम टू बिल्ड द एकेडमिक ईयर, ठीक है। अब आप खुद सोचो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा इमोशनल है। देयर वाज एसोसिएटेड टचस्टोन पार्टनर्स, शी वाज वेरी हार्ड वर्किंग, हर कलीग्स एंड हर फर्म स्टार्टेड दिस स्कॉलरशिप, द रीमा रे मेमोरियल स्कॉलरशिप इन हर नेम टू फंड द एजुकेशन ऑफ अ किड हु इज गोइंग टू स्टडी फॉर LLB एट WBNUJS कोलकाता। ओके, सो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप, यहाँ पे केवल एक ही स्कॉलरशिप मिलेगी, पर उन आप में से कोई एक बच्चा हो सकता है कि इसमें अप्लाई करे, हो सकता है आप सब में अप्लाई कर दो। जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा उसे जरूर मिलेगी एज पर देयर कवर लेटर, जो भी आपने कवर लेटर में लिखा होगा उस बेसिस पे वो आपको सिलेक्ट करेंगे बच्चों। ओके, सो कवर लेटर प्रेफरेबली नॉट मोर देन 1 पेज एंड द एप्लीकेंट्स एकेडमिक एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड इकोनॉमिक नीड सब आपको एक पेज में लिखनी है, और वो पेज एज अ डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। एप्लीकेंट्स को अकेडमिक ईयर जो है, जिस भी अकेडमिक ईयर के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, उस अकेडमिक ईयर के डॉक्यूमेंट्स उसकी नोटिफिकेशन के हिसाब से सबमिट करने पड़ते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स नोटिफिकेशन में लिखे हों। ओके, सो पहला, एक ब्रीफ आर्टिकल लिखो 700 शब्द के अंदर अंदर, कोई रीसेंट न्यूज़ के ऊपर, ठीक है, और कोई लॉ के कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। उससे पता चलेगा कि अगर आप अकेडमिकली कितने ब्राइट हो, ठीक है। उसके बाद करिकुलम वाइटे, करिकुलम वाइटे का मतलब होता है आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड पूरा मेंशन करो। उसके बाद लेटर फ्रॉम NUJS कि आप BA LLB प्रोग्राम में एनरोल हुए हो, ऐसा लेटर, ठीक है। फिर फोटोकॉपी ऑफ मार्कशीट एंड CGPA स्कोर्स, आपका क्लैट का स्कोर कार्ड, 12th की मार्कशीट, ये सब लगेगी फॉर अवेलिंग दिस स्कॉलरशिप। इसके बाद एप्लीकेंट्स में भी रिक्वायर्ड फर्दर डॉक्यूमेंट्स दैट टच स्टोन पार्टनर्स जो रीमा रॉय जी की फर्म थी वो बोले, वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ आपका एक इंटरव्यू भी हो सकता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू, ठीक है। और सिलेक्शन जो है प्योरली टचस्टोन पार्टनर्स पर डिपेंड करता है, आप ये नहीं बोल सकते इट इज माई राइट, इट इज डिपेंडेंट ऑन देम, दे हैव स्टार्टेड दिस वॉलेंट्रली बाय नो अदर प्रेशर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और फ्रॉम द गवर्नमेंट। दिस स्कॉलरशिप वॉज स्टार्टेड इन द नेम ऑफ लव ऑफ द कलीग
और उनने बहुत हार्ड वर्क किया था, तो सब टचस्टोन पार्टनर्स फर्म्स ने उनके नाम पे स्कॉलरशिप चालू करी. यू ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क व्हेन यू गेट इनटू अ ड्रीम एंड यू आफ्टर दैट यू विल बिकम एन एसोसिएट समवेयर. सो ऑलवेज बी पोलाइट विथ एवरी वन इन योर फर्म सो दैट वन डे इफ यू दे डू अ वेरी गुड वर्क दे विल अप्रिशिएट यू. इफ यू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स सोसाइटी दे विल अप्रिशिएट यू एंड दे विल ब्रिंग चेंज इन नेम ऑफ यू. ओके सो लाइक हैपन्ड विथ रीमा रॉय मैम एंड शी वॉज वेरी नाइस अकेडमिकली एक्सलेंट एंड बिकम लाइक हर. ओके एंड कंट्रीब्यूट अ लॉट टूवर्ड्स सोसाइटी आफ्टर यू बिकम अ लॉयर. स्टूडेंट्स नेक्स्टली हमारी जो नेक्स्ट स्कॉलरशिप है माई द टफेस्ट स्कॉलरशिप टू अवेल दैट इज द गवर्नमेंट स्कॉलरशिप. और ये माइनॉरिटी PWD कैंडिडेट्स SC ST कैंडिडेट्स को इजीली मिल जाती है और जनरल कैंडिडेट्स को बहुत हाथ पैर मारने पड़ते हैं. ओके सो नेशनल स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर ST स्टूडेंट्स अंडर नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर टॉप क्लास एजुकेशन इन कॉलेज फॉर OBC EBC एंड DNT स्टूडेंट्स. तो ये दो आपकी वेबसाइट पर मेंशनड है, पर मैं आपको बोलूंगी हमेशा की तरह एक वेबसाइट है scholarship.gov.in. इस वेबसाइट पे रेगुलरली चेक रखा करो आफ्टर योर एडमिशन कि आप एलिजिबल हो या नहीं. यहाँ पे सेंट्रल स्कीम्स होती हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी, स्कॉलरशिप फॉर टॉप क्लास एजुकेशन विद डिसेबिलिटी, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वाले बच्चों के लिए जो उस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, ट्राइबल अफेयर्स, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन. इन सारे पेजेस को ओपन करो, इनके FAQs पढ़ो, इस पर क्लिक करो और देखो कि आप पर्टिकुलर स्कॉलरशिप की क्राइटेरिया में फॉल करते हो या नहीं करते हो. इसके अलावा देयर आर सम स्टेट स्कीम्स एज वेल कि आपका जो स्टेट है उसमें स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं. कई बार एक स्टेट अपने बच्चों को दूसरे स्टेट्स के नेशनल और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए भी स्कॉलरशिप देता है. जैसे मध्य प्रदेश, वो मेधावी विद्यार्थी योजना वाली जो मैंने आपको बताया था नालसार में. ओके सो इन सब चीजों से अवेयर रहो थोड़ा. ओके नाउ ये वेबसाइट है scholarship.gov.in. आई एम टेलिंग अगेन, इससे रेगुलरली फेमिलियर रहना आफ्टर एडमिशन. जैसे अभी आप देखोगे यहाँ पे ओपनिंग सून दिखाते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन वैलिडेशन डेट ओपन टिल, ये डेट्स दिखाते हैं. तो इन डेट्स से अवेलेबल रहो और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे इस पर तो ऐसे ही कुछ पेज ओपन होगा. यहाँ पे इसके FAQs पढ़ो, वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट एलिजिबल. ओके और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं. येस इट इज टाइम टेकिंग बट वंस यू गेट अ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एंड इट इज हाईलाइटेड इन योर रिज्यूम एज वेल एज योर फाइनेंशियल एड विच यू नीड इज फुलफिल्ड, इट विल बी एवरीथिंग फॉर यू, राइट बच्चों. सो ऑन दिस नोट आई वॉन्टेड टू से दैट लीगल एज हैज बॉट दिस सीरीज टू हेल्प ऑल द किड्स हु कैनॉट अफोर्ड द हाई फीस चार्ज बाई नेशनल यूनिवर्सिटी बट हैज अ ड्रीम टू स्टडी इन नेशनल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया. सो आई वाइंड अप एपिसोड नंबर 3 WBNUJS कोलकाता एंड वी विल प्रोसीड विद आर एपिसोड नंबर 4, यू ऑल नो. ओके इन द नेक्स्ट सीरीज, ओके इन द नेक्स्ट वीडियो. Okay, students, so let me just give you a rewind of everything. First was university scholarship, merit cum means scholarship. Second was private scholarship. It has 3 MMXE equal opportunity, Aditya Birla, Rima Ray Memorial, and nextly, governmental scholarship. Okay, so all the email IDs which I have mentioned, go back to the video, see the email IDs, note them down. And also tell the students who are going to get admission into WBNUJS Kolkata and help everybody out. Okay, students. So this was the entire details about me, about the scholarship which I have covered. And yes, thank you so much. Have a good day. See you in the next episode. Bye-bye.